हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूँ आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और ये देखो, घर पे व्लॉग करने के यही नुकसान होते हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई इधर परोठे खा रहा है, और एक और इंसान घूम रहा है जाके पीछे। छोड़ो, ये सारी बातें करेंगे बाद में। खैर, अभी बात करते हैं कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा। ठीक है, अभी उसका एक बहुत तगड़ा रीज़न है जो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम पराठे खा लेते हैं, क्योंकि अगर आपके सामने आलू के पराठे पड़े हों साथ में अमूल का बटर, तो मेरे ख्याल से पहले वो खाना चाहिए, क्योंकि खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये देखो, कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ, हाय। खाओ, आपके पराठे ठंडे हो रहे हैं। तो अभी मैं भी खाता हूँ पराठे सराठे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मम्मी, आप भी आ जाओ पराठे खाने। ये देखो मम्मी के विचार हमारे। ये मम्मी क्यों नहीं खाओगे आप पराठे? क्यों नहीं खाओगे जब आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं? मुझको डाइजेस्ट नहीं होता। कोई नहीं, मैं आपको इनो पिला दूंगा दो दो, आप लेकिन भर के खा लो। जब तक ऐसे उल्टी नहीं आए तब तक खाना, तब कहाँ मजा आता है। तो यार मेरे पराठे ना ठंडे हो रहे हैं, उसमें मैं मक्खन मक्खन आ ऊपर से तो मेल्ट हो रहा, और फिर वो देख के मेरा दिल भी मेल्ट हो रहा। तो पहले वो खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया मैंने, और अभी बस चाय ख़त्म कर रहा हूँ। और अभी मेरे को एक कॉल आया यूपीएस की तरफ से कि आपका एक पार्सल आया सिंगापुर से। वो क्या है, क्यों आया, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उस पार्सल का वेट मैं कम से कम नहीं तो 15-20 दिन से कर रहा हूँ, और आज वो आने वाला है। तो फटाफट वो पार्सल लेकर आता हूँ, उसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, उसके पीछे की आपको सारी स्टोरी बताऊँगा कि क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, और उस पार्सल से क्यों मैं रिलेट आपको इतना करा रहा हूँ, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेरे चैनल पे। तो फटाफट चलते हैं अभी पार्सल लेते। सो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं घर, और ये रहा पार्सल जो आना था। और अब ये देखो, नाइस, घर पे ऐसे से थैले पड़े होते हैं मेरे बिस्किट ठेके। क्या हमें और कुछ आता है हमारे घर में, या फिर ऐसी थैले आते हैं? चलो इसको खोल के तो दिखाओ, बैठ जाओ आराम से। बैटरी, एक नई बैटरी भी मिल गई, नाइस। मम्मी मत बोलो ऐसा कुछ, अभी मैंने पब्लिक को नहीं बताया क्या ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ। सो गाइज, ये रहा मेरा नया गोप्रो हीरो 9 ब्लैक। गाइज, जैसा आपको पता होगा मेरे पास GoPro Hero 8 ब्लैक था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अनबॉक्सिंग GoPro 9 ब्लैक की। तो GoPro 9 ब्लैक कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार इसको ना मैं चेक कर लूँ कि सही से चल रहा है कि नहीं। जय माता दी, जय माता दी। ये वाला भी निकालो, पकड़ो पकड़ो, ये गाइस मैंने ना अमरी दीदी को कैमरा पकड़ा रखा है, और मेरे को ऐसे भरोसा नहीं होता, नए नए ऐसे बच्चे आते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो ये रहा GoPro, ये भी बैटरी, हम इसको फर्स्ट बूट करते हैं। सीधा धीमे लगे वह सीजर का काम क्या है, जब आप रोज दंत कांति से रिस्ट करते ही हो। जय माता दी, करते हैं इसको ऑन। ये देखो, इसके मेन फंक्शन ये है कि आगे स्क्रीन पे भी दिखता है जो हो रहा होता है GoPro 9 ब्लैक, और ये रहा कैमरा। अभी इसको सेटअप करता हूँ मैं। गाइस ये देखो, ये GoPro 9 ब्लैक में ना फ्रंट में भी आपको स्क्रीन मिल जाती है। देखो पूरा स्क्रीन के अंदर मैं भी दिख रहा हूँ आपको, और बाकी ऐसे तो स्क्रीन है ही है। थोड़ा माइक वाइक लगा लूं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। पता है, अब इतना टाइम हो गया व्लॉग ना डाले, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करते हैं। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि एक बहुत लंबे टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला। बहुत से लोग मेरे को कमेंट्स में रोज़ पूछते थे कि व्लॉग कब आएगा, कोई इंस्टाग्राम पर पूछता था। तो मैं ना ये नहीं चाहता था कि सबको थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताऊँ, मैं ये चाह रहा था कि व्लॉग बना के पूरी स्टोरी बता दूंगा। तो आज करते हैं उस पर बात कि मैंने इतने लंबे टाइम से व्लॉग क्यों नहीं डाला। गाइज, आपको पता होगा कि मैंने GoPro Hero 8 ब्लैक लिया था बहुत ही चीप प्राइस में, 23K के अंडर। और उस टाइम में मेरे को लग रहा था कि यार मैं तो फुल दिल्ली वाले हैं, हम हर चीज़ पे मतलब
तगड़ा डिस्काउंट के साथ चीज़ें ले ही लेते हैं, बट मुझे क्या पता था उसके साथ एक इतनी लंबी कहानी हो जाएगी, इतनी लंबी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मेन प्रॉब्लम क्या हुई मेरे GoPro के साथ, जब गाइज मैंने वो GoPro लिया था ना, तभी मेरे को लग रहा था कि जब मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने आप ही मतलब चार्जिंग पे चार्ज होते हुए तो दिखाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ना अपने आप भी चार्जिंग से हट जाता था। फिर मैं उसको फिर से लगाता था ऑन ऑफ करके, फिर वो चार्ज होता था। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, क्या पता सॉफ्टवेयर अपडेट करूँगा तब थोड़ा ठीक होगा। मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा, तब भी वो चीज़ इतनी मतलब फिक्स नहीं हुई, और फिर मैंने ना थोड़ा उसको इग्नोर ही करा कि छोड़ो अभी व्लॉग्स बनाने पर ध्यान देते हैं, देखते हैं आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी इस पर ध्यान दूंगा, वरना अगर ये चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो तो चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या होगा। ऑल दो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और उसी की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो गाइस सेकंड प्रॉब्लम क्या आई मेरे साथ उस GoPro में, क्विक कैप्चर करके ना एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको GoPro ऑन नहीं करना पड़ता, बस क्विक कैप्चर का बटन दबाओ आपकी वीडियो बनना स्टार्ट होगी। वापस जब आप क्विक कैप्चर का बटन दबाओगे ना तो आपकी वीडियो ऑफ हो जाएगी और GoPro टर्न ऑफ हो जाएगा। उससे क्या होगा ना, अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो या आपको आपके GoPro की बैटरी सेव करनी है तो वो उस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। बट मेरे केस में क्या हो रहा था कि जब भी मैं क्विक कैप्चर के साथ वीडियो बना रहा था मेरी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। फिर मेरे को समझ में नहीं आया यार क्या है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा भी इससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हाल फिलहाल व्लॉग्स बनाते हैं। तो गाइस उसके बाद क्या होने लग गया ना कि जब भी मैं GoPro को ऑन करता था, ऑन तो ये 3 सेकंड के अंदर हो जाता था जो GoPro हीरो एक ब्लैक था, लेकिन जब भी मैं उसको ऑफ़ करता था ना वो पावर ऑफ होने में 10 सेकंड लगाता था। मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं GoPro ऑफ़ कर रहा हूँ और मतलब कोई रैंडम मेरे को कुछ बोलना है या फिर कोई सीन आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो मतलब 10 सेकंड तो वो ऑफ ही हो रहा है। फिर मैं उसको ऑन करूँगा तो बहुत टाइम लगा रहा था, तो मेरे को ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था उससे, क्योंकि मैंने हीरो 5 ब्लैक चलाया था और मैं आज भी बोलता हूँ GoPro हीरो 5 ब्लैक इतना अच्छा एक्शन कैमरा है ना कि आज तक मेरे को उससे अच्छा एक्शन कैमरा नहीं मिला। और अब तो मतलब मेरे पास 9 आ गया है GoPro हीरो 9 ब्लैक, इसकी भी कहानी बताता हूँ, रुक जाओ आ रहा हूँ उस पर, थोड़ा सबर करो। तो उसके बाद क्या हुआ ना गाइस कि मेरे को लगा कि इस GoPro के अंदर ना कोई दिक्कत है। फिर एक दिन मैं मोटो व्लॉग कर कर आ रहा था, मैंने देखा इसके अंदर ना रेड लाइट जलती है, वो रेड लाइट तब जलती है जब आप इसको चार्जिंग पे लगाओ आगे की साइड। मैं ऐसे मिरर पे देख रहा था स्कूटी चलाते हुए, रेड लाइट कंटिन्यूस जली जा रही थी, पर उस टाइम पे मैं व्लॉग कर रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं ये रेड लाइट क्यों जल रही है। फिर उसके बाद जब मैं घर आया ना, मैंने देखा GoPro के बैक साइड जो स्क्रीन लगी है ना वो पूरी ब्लैंक पड़ी थी, GoPro ऑन नहीं हो रहा था। इसकी बैटरी निकाली मैंने, वापस डाली, ऑन करा, तब नहीं ऑन हुआ। फिर मैंने इसका जब माइक अडैप्टर निकाल के लगाया ना फिर से बैटरी और फिर ऑन करा, फिर ये ऑन हो गया। उसके बाद गाइज मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि जब भी मैं GoPro हीरो 8 ब्लैक में माइक अडैप्टर लगा रहा था ना, वो कैमरे को अपने आप चार्ज कर रहा था और उस टाइम पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये मैंने सोचा कि ये तो एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। फिर जहाँ से मैंने GoPro लिया था ना, मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि सर आपका GoPro अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो आप कॉन्टैक्ट करो GoPro सपोर्ट टीम को, आपका GoPro अंडर वारंटी है, वही लोग कर सकते हैं जो कुछ करेंगे, या तो वो आपको रिप्लेस करेंगे या कोई बेस्ट वे जो होगा आपके साथ, मतलब जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा वही दे पाएंगे। तो मैंने कॉन्टैक्ट करा, तो जब भी मैं कॉन्टैक्ट करता था ना उनकी साइट पे कोई एक फॉर्म आता है GoPro सपोर्ट का, वो आता ही नहीं था। फिर मैंने देखा उसमें लिखा है कि सिंगापुर का जो टाइम होता है ना वो उस हिसाब से चलता है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो या फिर आपका GoPro वारंटी में हो सही से ना चल रहा हो ना, तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ना आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि या तो आप लोग उनसे टेक्स्ट पर बात कर लो या कॉल पर। मैंने प्रेफर करा था कॉल पर बात करना, मैंने उनको पूरा कॉल करा, पूरी सिचुएशन समझाई, तो उन्होंने पहले मेरे से प्रूफ मांगे कि आप एक तो अपना सीरियल नंबर दो और बिल दो। और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कोई बिल के साथ कोई लफड़ा तो नहीं है, क्योंकि मैंने 23K का GoPro लिया था, लेकिन जो बिल बना था ना वो पूरा 27-28 का बना था GST वगैरह लग के। तो मैंने उनको बिल की पहले फ़ोटो भेजी, उनका मतलब एक लिंक भेजते हैं वो आपकी जीमेल की आईडी पे, तो उन्होंने वो ओके कर दी कि हाँ आपका बिल और GoPro ओरिजिनल है, सब कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है। फिर उन्होंने कहा जो आपका इशू है ना, एक और लिंक दिया उन्होंने कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के भेजो कि आपका जो इशू आ रहा है जब भी आप माइक अडैप्टर कनेक्ट करो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहा है। मैंने वो भेज दिया। फिर गाइज मैंने अगले दिन कॉल करी तो उन्होंने कहा जो आपका ये केस है ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव हो गया कि ये जेन्युइन केस है और आपके साथ जो बेस्ट हो सकता है हम करेंगे। फिर अगले दिन उनका खुद सामने से कॉल आया और उन्होंने ये कहा कि हम आपको ना इसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है रिप्लेसमेंट में तो कोई मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को अभी भी याद है माइक करके एक बंदा था, उसने ये कहा था कि सर वैसे तो इंग्लिश में ही बात हुई थी और इंग्लिश में ही बात होगी, तो ऐसे कोई घबराना मत, अगर थोड़ी सी आपका हाथ इंग्लिश में टाइट है तो किसी दोस्त वोस्त से बात करवा लेना। वैसे नॉर्मल इंग्लिश थी, ऐसा कोई बहुत हाई फाई नहीं है, हम भी दिल्ली वाले इंडियन से पूरा मतलब फ्लो में बात करते हैं, तो कर लेना। बाकी फिर मैंने उनसे बात करी, माइक नाम का एक बंदा था, उसने ये कहा मेरे को कि सर GoPro आपका रिप्लेस होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम पे GoPro Hero 8 Black अवेलेबल नहीं है। फिर गाइस यार मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि यार इन लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं, अब क्या करूँगा मैं। बट उसके बाद ना फिर माइक ने एक ऑनलाइन बोली, उसने ये कहा कि वी डोंट हैव GoPro Hero 8 Black इन रिप्लेसमेंट, बट वी हैव GoPro 9 Black, अगर आपको वह चाहिए तो आप बताओ, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने कहा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने तो 8 लिया था, वो भी 23K का, जो 27-28 का था, मैंने तो कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कर दो रिप्लेस। तो गाइज उसी दिन उन्होंने ना मेरे को 3-4 डॉक्यूमेंट्स भेजे और मेरे को कहा कि जो आपका पुराना GoPro Hero 8 Black है उसको बैटरी निकाल के एक बॉक्स के अंदर पैक करके और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे वो डाल के अच्छे से रैप करके UPS कुरियर सर्विस है उनके पास दे आओ, UPS सर्विस देने के बाद हम आपको आगे का स्टेप बताते हैं। और गाइज ये ना 30 मई के आसपास की बात है, बेसिकली उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजे कुरियर के लिए और मेरे से कहा कि अपना GoPro बैटरी से निकाल के एक बॉक्स के अंदर पैक करके UPS वालों को दे आओ। उसके बाद गाइज उन लोगों ने ना मेरे को एक ट्रैकिंग नंबर दिया, उससे मैं ट्रैक कर सकता था कि मेरा GoPro Hero 8 Black कहाँ कहाँ पर है। पहले यहाँ से सिंगापुर गया, सिंगापुर से वहाँ पर अप्रूव हो गया कि मेरे GoPro में जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम थी। उसके 15 दिन के बाद, मतलब मैंने आपको बताया होगा उस वाले व्लॉग में, मतलब इसकी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, अब डेट मेरे को याद नहीं है, मतलब 2-3 दिन हो चुके हैं, बीच में मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था तब मैं व्लॉग बना नहीं पाया, बट अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। तो फिर मेरे को कुछ टाइम बाद, मतलब 15 दिन लग जाते हैं, 15 दिन के बाद उन्होंने ब्रांड न्यू GoPro 9 Black भेज दिया और ये पूरा ऐसे आया था इस बॉक्स के अंदर, उसमें लिखा भी हुआ है हीरो ब्लैक वारंटी रिप्लेसमेंट। लो कुछ गिर गया, तो इसके अंदर आया था। और एट द एंड कहानी ये हुई है कि थोड़ी सी किस्मत ने साथ दिया नहीं दिया और एट द एंड मेरे पास आ गया GoPro 9 Black ब्रांड न्यू। और मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा बैटरी क्यों दे दी, नहीं बैटरी क्यों दे दी, वो बैटरी इसलिए दे दी, अभी मैंने कंपेयर करा जो GoPro Hero 8 की बैटरी है ना और GoPro Hero 9 Black की बैटरी, उसकी बैटरी की साइज़ में फ़र्क है, इसीलिए उन लोगों ने GoPro 9 की बैटरी साथ दी है रिप्लेसमेंट प्रोसेस के साथ। तो यही कहानी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से बोल देना, क्योंकि ये सोचो मैंने 23K दिए GoPro Hero 8 Black के लिए, जो 28-29 का उस टाइम पे Flipkart पे चल रहा था, अब तो 32 का हो गया, सोचो 23K दिए और मेरे को GoPro वालों ने प्रोडक्ट 36 का दे दिया। तो वही है, कभी कभार किस्मत थोड़ी अच्छी भी हो जाती है मेरी, वरना वही है नए मंथ नए प्रॉब्लम, छोड़ो वो सारी बातें। बाकी यही सब था, बाकी अब व्लॉग्स रेगुलर आएंगे। और अभी पता है मैं चांदनी चौक गया था और एक और सामान लेकर आया हूँ, दिखा दो, ये GoPro का 9 का यूलांजी केस, मतलब हेलमेट में माउंट करने के लिए, और मेरे पे 8 का भी पड़ा है 5 का भी पड़ा है। 8 का मैंने तब लिया था जब मैं 8 Black लेकर आया था, बट अब वो किसी काम का ही नहीं है, तो सोच रहा हूँ मैं उसको OLX वगैरह पे सेल आउट कर दूंगा। बाकी गाइस यही था इस व्लॉग में। मेरे को पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मोटर लॉक करके दिखा दो, इससे मोटर लॉक करके दिखा दो, रुक जाओ दिखाऊंगा मोटर लॉक करके भी। तो मोटर व्लॉग कल आएगा, एक थोड़ा सा राइड में आगे पीछे जाएंगे, गेड़ियाँ मारेंगे, क्लैरिटी टेस्ट करेंगे इसका कैसी है। बाकी फ्रंट में स्क्रीन आ जाती है जिससे मैं अपने आप को देख पाता हूँ, तो वही है जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था कि यार मेरा हीरो 8 Black ख़राब हो गया, क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत चीज़ें ऐसी आ रही थी दिमाग में कि चांदनी चौक जाता हूँ वहाँ खुलवा के देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इसके माइक अडैप्टर के उस पोर्ट में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। बट जब वारंटी में होती है ना, और ये GoPro ना गाइस इंटरनेशनल एक ब्रांड है, इंटरनेशनल एक प्रोडक्ट है, तो ये लोगों का ना रिप्लेसमेंट की गारंटी होती है। अगर आपका प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कभी बाहर मत दिखाना अगर अंडर वारंटी है, तो आप लोग GoPro की साइट पे जाके GoPro सपोर्ट से ही बात करना जो भी हो। बाकी गाइस यही था इस व्लॉग में, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ और इधर मेरी ना ये देखो चाय भी ठंडी हो गई है, तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी कल, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे, सान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे, आड़ा टेढ़ा नहीं बलि नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग छूटे कर दूंगा झंड, ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी।
इतने ठंड में उत्तराखंड में पूरा भंड में।